हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। देखिए, आज के सेशन में एडीएस का तीसरा पार्ट है आप लोगों के लिए। दो पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ जान चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर देखिए, लास्ट सेशन के अंदर भी हमने 17 मेंस के क्वेश्चन देखे थे कुछ, आज की क्लास के अंदर भी मैं सारे 17 मेंस के ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कि 17 मेंस का जो पेपर था, जो आप लोगों को कैलकुलेटिव लग रहा था, तो कई जगह कैलकुलेशन मिनिमाइज भी हो सकती थी। और वो रीज़न है क्या, वो डीएस के कॉन्सेप्ट का रीज़न है कि उससे आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखूंगा आज का, और ये क्वेश्चन देखिए वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में से था 17 मेंस के अंदर। एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम इंगेजिंग है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये एक टफेस्ट क्वेश्चन में से है 17 में से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली टाइम इंगेजिंग हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया, अब आप मेरे तरीके से ट्राई करिए। देखिए डीएस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने देखा 3 1/4 अगर मैं इसे बराबर लिखता हूँ, देखिए 3 1/4 क्या मतलब हो गया, 3 + 1/4 यही मतलब हो गया। और अगर नीचे 4 होता है तो क्या होता है, ऊपर 7 होता है, 7 और 3 = 10 यानी 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 7 और 4 = 11 2 हो गया। नीचे अगर 7 आ गया तो ऊपर 4 से गुणा हो जाता है माइनस, नीचे अगर 5 आ गया तो ऊपर 2 से गुणा हो जाता है। 7 और 4 = 11 यानी 2 2 2 = 4। नीचे अगर 7 आता है तो ऊपर 4 से गुणा हो जाता है, 7 4 = 11 यानी 2 2 = 8। अगर मैं इसके अंकों का योग देखता हूँ तो 8 और 8 = 16 यानी 7 7 - 4 = 3 आ गया। केवल एक स्टेप में है आंसर सीधा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, 2.5 2 = 5 होता है, 2 और 5 = 7 हो गया, प्लस 5.5 ये है, 55 ये है, 1 आ जाएगा, 5.5 और 55 1/10 आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा जो कि 6 हो गया। अब a माइनस बी आपको निकालना है, a के अंकों का योग 3 हो गया, b के अंकों का योग 6 हो गया, 3 - 6 - 3 हो गया। और -3 अगर आ गया, अगर नेगेटिव में आता है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए उसके अंदर केवल 9 जोड़ना है, तो ये 6 आ गया। यानी जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी 6 नहीं है, ये भी 6 नहीं है, नीचे अगर 8 है तो ऊपर 5 होता है, ये 7 हो गया, नीचे 8 है तो ऊपर 8 होता है, तो 5 8 = 40 यानी 4 हो गया, 3 8 = 24 6 हो गया, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन ना सिंपल था, पर तरीका बहुत मैटर करता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके से इसे अपनाया होगा, और केवल वो वही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, डीएस को डिटेल में पढ़ रखा है। तो ये देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन में से था जो आप केवल 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहले का डीएस लिखिए पूरा, दूसरे का डीएस लिखिए पूरा, घटा दीजिए आंसर आपके सामने। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, देखिए 3 1/4 यानी 3 + 1/4, 4 का मतलब 7 7 और 3 = 10 यानी 1, 4 का मतलब 7 7 और 4 = 11 यानी 2, 7 का मतलब नीचे 7 है तो ऊपर 4, नीचे 5 है तो ऊपर 2, तो 2 2 = 4 हो गया,
नीचे सात है तो ऊपर चार, दो चौक आठ हो गया, इसके अंकों का योग तीन आ गया। ऐसे ही आपने यहाँ देखा नीचे दो है तो ऊपर पाँच, पाँच और दो सात, प्लस एक माइनस दो, ये छः आ जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बहुत आसान बन गया केवल डीएस की वजह से। केवल ये क्वेश्चन का जवाब आप 10 से 12 सेकंड में दे सकते थे अगर आपको डीएस पता होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन मैं लगभग डिस्कस करूंगा 17 मेंस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं देखता हूं 3.6, इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका आंसर आपको निकालना है। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई सबसे पहले ना आप ये चेक करिए कि कहीं नीचे 3, 6, 9 तो नहीं बन रहा है। अगर आप देखते हैं ये 9, ये भी 9, ये भी 9, तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 9। और अगर नीचे 9 बन रहा है तो 9 से ऊपर नीचे भाग करना पड़ेगा। अगर मैं 9 से ऊपर नीचे भाग करता हूँ, देखिए 0.4 वगैरह मैं नहीं लिखता क्योंकि डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा 4 लिखता हूँ, सीधा 4 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ सीधा, यहाँ पर 12 लिखता हूँ, या 24 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं अंकों के योग पे काम करता हूँ, अगर ये तो 9 × 4 हो गया तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 8 × 4 = 12 यानी 2, 8 × 4 = 12 यानी 3, 3 × 4 = 12 यानी 3। नीचे वाला देखते हैं 2, 3 × 3 = 9, ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये आ गया आपका 3 ऊपर, नीचे आ गया 2 − 6 यानी −4, −4 का मतलब हो गया +5, क्योंकि 9 जोड़ देंगे, 5 अगर नीचे है तो ऊपर 2 आएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करा, ये 3.6 × 1.62 + 0.48 × 3.6, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है। अगर मैं देखता हूँ नीचे दे रखा है 1.8 × 0.8, सही लिखा है क्वेश्चन मैंने, 10.8 × 0.3 − 2.16। अगर आप देखते हैं मैं 9 से अगर काटता हूँ, ये चीज मैंने हटा दी अभी, अगर मैं 9 से काटता हूँ तो 9 × 2 = 18, ठीक है। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर मैंने 2 से गुणा नहीं किया इसे, यहाँ पर 12, यहाँ 24, यहाँ 4, यहाँ भी 4, ये 0 हो गया, बचा ये 4 × 3 = 12 यानी 3 आ गया, 2 × 8 = 16 यानी 7 आ गया, ये तो कट गया, 7 − 6 यानी 1 आ गया, आंसर के अंकों का योग 3 हो गया, यानी जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें तब हैं जब कॉन्सेप्ट आपको पता है। यानी देखिए मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, a³, b³ या c³, कुछ भी नहीं लगाया, सीधा मैंने डीएस निकाला ऊपर वाले पार्ट का, सीधा डीएस निकाला नीचे वाले पार्ट का। और क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल भी किया कि ये लिख दिया आपको ये दिखा के, नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे इस चीज़ को, डायरेक्ट भी आप करते तो सीधा आंसर आ जाता, केवल 9 से काटना था ऊपर नीचे और सीधा आपको 3 मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। ए
ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.216 प्लस 0.008 अपॉन 2.2, 0.8, 1 और 1.4। देखिए क्वेश्चन आपको निकालना है, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले बेस ही है वैसे तो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर भी नीचे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने डिस्कस इसलिए किया कि जैसे बाय चांस मान लेते हैं आप डीएस पढ़ रहे हैं घर पे, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा जगह लगा पाएंगे, यानी जितना इसमें खोजबीन करेंगे कि यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आएगा। देखिए मैंने भी ये कॉन्सेप्ट पूरा रिसर्च वर्क करके ही सीखा है, पूरा रिसर्च रहा है मेरा, एक टॉपिक रहा है रिसर्च के अंदर डिजिटल सम का, तो उसमें मैंने रिसर्च किया है। अगर मैं देखता हूँ ये 9 हो गया यानी 0, 4 में से 3 गया 1, मैं यहाँ देखता हूँ 8, तो इसके अंकों का योग 8 हो गया क्योंकि ये तो 0 है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखिए सभी में 9 आ रहा है, 9 तिया 9 एकम 9 नेम, ऐसे आपने यहाँ करा, ऐसे आपने यहाँ करा, तो आप देख सकते हैं नीचे वाले के अंकों का योग क्या हो गया, 4 हो गया, ऊपर वाले का क्या हो गया, 6 हो गया, नीचे 4 होता है तो ऊपर 7, वापिस 6 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, 8 और 6 का स्क्वायर आपको पता है 1 हो गया, तो यानी जिसके अंकों का योग 1 होगा उसका आंसर हो जाएगा, तो आपने सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। तो देखिए मार्क करने के तरीके हैं, पेन यूज़ करके भी आंसर मार्क हो जाता है और बिना पेन यूज़ करके भी आंसर मार्क हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आगे और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी 17 मेंस का ही है, देखिए ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है आपका। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, सबसे पहले ही मैंने नीचे देख लिया कि नीचे 3 आ रहा है, और अगर नीचे 3 आ रहा है तो आपको ये बताया गया था 3 से भाग करिए पहले ऊपर नीचे, अगर मैं 3 से भाग करता हूँ 7, 12, 14, अब मैं अंकों के योग पे काम करता हूँ, अगर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया यानी 6, 3, 5, 6, 11 यानी 2, प्लस 5 हो गया, 5 हो गया, 5, 5, 27, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5, 5, 25 यानी 7, 7, 8, 56 यानी 2, 7 और 6, 13 यानी 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आप ये देखिए मैंने लिखा क्या इसके लिए, और जो लिखा है ना ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सीधा देखना है 3 से अगर मैं काटता हूँ नीचे क्या आ गया 2, ये आपने देखा 5, 6, 11 यानी 2, 2, 3, 6, इसका आपने देखा 7, 6, 7, 13 यानी 4, तो 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, और सीधा आंसर मिल जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है आपका 18 का, प्री भी पास आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से लग जाइए कि भाई डेली बेसिस पे, अभी देखिए काफ़ी समय आपको मिलेगा, 3, 4, 5 महीने आपके पास हैं, जिसे आप लगा लगा के तब तक बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। चार पाँच महीने का जो समय होता है वो मैं बहुत बड़ा मानता हूँ कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति गेम पूरी पलट सकता है, यानी देखिए 5, 4, 5 महीने का वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप रूटीन से तरीके से, आपको तरीके पता होने चाहिए कि किस चीज़ से आपका सिलेक्शन आसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं,
एन का मान दे रखा है ये, तो रूट एन का मान बताना है आपको। देखिए ये आपके सामने है, एन का मान आपको दे रखा है, रूट एन आपको निकालना है। 17 मेंस का ही क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए अभी तो केवल नंबर सिस्टम पे बेस क्वेश्चन देखे हैं ज्यादातर, कि भाई इस तरीके में ये लगाना है, इस तरीके में ये लगाना है, ना तो अभी अर्थमेटिक आया ना आया एडवांस पार्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी से जो हमने स्टार्ट ही किया है तब भी तक हमें कितने सारे क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो डीएस के कॉन्सेप्ट पे हैं। अगर मैं इसे ही देखता हूँ, देखिए 5 4 9 3 2 5 और 1 6 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी ये तो 0 हो जाएगा। 36 जीरो क्यों होगा, क्योंकि 36 का मतलब 9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 5 4 9, ये 6 मिल गया, 6 3 9, ये 7 मिल गया, तो 6 और 7 यानी 13, यानी 4 हो जाएगा। अब रूट एन आपको निकालना है, देखिए इसका स्क्वायर करके 4 आना चाहिए, इसका स्क्वायर करके आपको 4 लाना है। अगर मैं देखता हूँ 6 3 9 4 2 6 और 1 7, अगर ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर 64 यानी 1, 5 का स्क्वायर 25 यानी 7, 6 का स्क्वायर 36 यानी 9, 7 का स्क्वायर 49 यानी 4, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान सा खेल था ये, खेल है बेसिकली अगर आप देखें तो, पर खेल जब ही लगेगा जब आप इसके एक एक रूल बेसिक चीज पूरी आप समझ गए हैं और डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इसे लगाने के लिए। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, फिर ये देखिए मैं क्वेश्चन करते करते कहाँ पहुँचा, कैलकुलेशन पर, और आखिर में जो मेरे को टाइम लिया वो कैलकुलेशन ने लिया, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ने नहीं लिया। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन इम्प्रूव आपको कैसे करनी है ये आपको बताया जा रहा है। तो 17 मेंस के 16 मेंस के लगभग सभी पेपर में आप इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 17 मेंस का ही है, देखिए सामने आ गया आपके क्वेश्चन, इसका मान आपको निकालना है। अब डीएस आपने पढ़ा है तो सीधा सीधा नज़र के सामने है, और देखिए आप ये देखिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना आपकी नज़र ऑप्शन पे जा रही है, डीएस दिमाग में काम कर रहा है, ऐसे ही ऑप्शन काम कर रहे हैं। तो सेम ही सिचुएशन आपकी घर पर भी होनी चाहिए। घर पर जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट में समझ गया, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट करते वक्त लेकिन मैं केवल डीएस का इस्तेमाल करूँगा। डीएस अगर मैच होता है तो देखिए आगे एमजी कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, एमजी कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में देखेंगे। तो एमजी कौन, जो चीज़ डीएस से रुकेगी वो एमजी कॉन्सेप्ट से जाएगी, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद लास्ट डिजिट, उसके बाद लास्ट टू डिजिट, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब डेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन आसान हो सकती है, धीरे धीरे करके देखेंगे। लेकिन सारी अगर मैं देखता हूँ इसके अंकों का योग 1 1, नीचे अगर 7 आ गया, क्योंकि 25 का मतलब 7 हो गया, 7 नीचे आ गया तो ऊपर 4 हो जाएगा, 7 नीचे आ गया तो ऊपर 7 4 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, बचा 1। इसके अंकों का योग 1 है, 9 5 6, ए ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर लग जाएगा। कितना काम किया जी, सीधा सीधा देखा मैंने, 1 1 4 4 1
ए ऑप्शन आंसर हो गया। तो इतनी आसानी से करना, देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है, जो काम करेगा वो सब चीज़ जीत लेगा। सिलेक्शन तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर 17 मेंस के हमने स्पेशल क्वेश्चन देखे कुछ, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें आपको पेन ना लगाना पड़े, पेन तो आपको लगाना ही पड़ेगा इन सभी क्वेश्चन में, पर हमने ये देखा कि बिना पेन के अगर आपको करना है तो डीएस का कॉन्सेप्ट आप इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में भी हम 17 मेंस के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अर्थमेटिक वगैरह के पार्ट के या अलजेब्रा के पार्ट के, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। गुड बाय।